जय हो। ये खर्चो नहीं जा रे भरे पुरे ए पूरे मुड़ा जी रानी के बाल आगी। हाँ कि भुणा जी ऐसो कर तू खर्चो भरपूर ले जा जय हो और भोज नहीं जा थारे लहारे और कोठा नगर में जाजे। हाँ और देवगरान में तू का माथा काट के ला जा। अब भुणा जी कहीं साहब बचपन से ही राणा की राण में पड़या था। अब उनके यह नहीं मालूम थी कि गोठा नगरी मेरा गांव है और देवगरान में तू मेरा भाई है। बाकी रानी कमलावती कह रही है कि आप अगर गोठा नगर में चली जाओ और देवगरान में तू का माथा काट लाऊंगा बेटा तो भर मोतिया हारो थाले। अरे थाले यारी ती देवो देवो करूमा जाना बहते। और अगर तू शीश काट के देवगरान और मेदु का ले आवेगा तो भर मोतियारो थाले और आरती करूंगा थारी जनाना भाग के। ए महा ये या बात सुन भणो जी महाराज कई घोड़ी बोर को सजावे पर कई वहां से चालवारी तैयारी करे हैं देखा। अब भुणा जी गोठा नगरी में भाई और से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। क्यों कि मालूम नहीं था। किसी हारमोनियम कम कर दो। अरे भरे नी गजब हरी डहने अरे डाने बुनारी गोडी भरे वो गजब हरी
धरती घोड़ी वहां से रवाना हो जावे और चालती चालती भवानी कई कोठा नगरी के काकड़ पे आवे पर साहब कोठा नगरी में तो बैठो गादीपति माता साधू को लहाले भगवान देव नारायण को मालूम पड़ेगी कि आज दादा भाई भुना जी युद्ध करने के लिए आ रहा है। जय हो। भगवान देव नारायण एक बूढ़ा ब्राह्मण का भेष बनावे और साथ में बाबा भाट को लेवे केवे के भाट जी आज दादो भाई भुनो युद्ध करने के लिए रानी को बहकायो आयो है। जय हो। आपन चाला काकड़ पे दादा भाई ने समझावा आजे और सुन लीजियो महारा मंडला की बहते या बात सुन करके उसी समय बाबा भाट और भगवान देव नारायण कलिमा से रवाना हो जावे